Hello, I'm Dr. Wahid Khan. I'm Senior Consultant and Head, Department of Nephrology, Brahmananda NH in Jamshedpur. And this department and this hospital was established around 19 years back. Aur Jharkhand ka ye sabse bada aur ek important point hai jo questions hamesha patient pucha karte hain wo diet ke bare mein ki wo kya khayenge kidney wale jo patient hote hain jinko kidney ki bimariyan hoti hain to broadly do tarah ki bimariyan hoti hain kidney ki ek to hoti hai acute kidney injury diarrhea ya malaria ke wajah se jo hoti hai ये रिकवर कर जाती है पूरी इसमें कोई डाइट रेस्ट्रिक्शन की जरूरत नहीं होती है नॉर्मल डाइट चलता है दूसरे तरह की जो बीमारी होती है वो डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के होने के वजह से जो आती है वो कहलाती है सीकेडी क्रोनिक किडनी डिजीज़ ये लाइफ लॉन्ग रहती है ये पूरी रिकवर नहीं करती है इसमें कुछ डाइट की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत होती है पर बहुत ज़्यादा डाइट की रिस्ट्रिक्शन की ज़रूरत नहीं होती है जो इंडियन डाइट है जो हम खाना खाते हैं वो यूं ही प्रोटीन रिस्ट्रिक्टेड होता है इसलिए हमारे यहाँ डाइट रिस्ट्रिक्शन करना गलत है साइंटिफिकली इससे और माल न्यूट्रिशन हो जाता है और लोगों को इन्फेक्शन होता है और जल्दी वो मर भी जाते हैं जो चीज़ अवॉइड करने की है वो है फ्रूट्स ड्राई फ्रूट्स कोल्ड ड्रिंक जूस जो पोटाशियम जिस चीज़ में ज़्यादा होता है ये हमें अवॉइड करना चाहिए बाकी डाइट की रिस्ट्रिक्शन की बहुत ज़रूरत नहीं है एक जनरल कंसेप्ट है लोगों के बीच में कि नॉन वेज या प्रोटीन वाली डाइट जो है पनीर वगैरह नहीं खाना चाहिए ये टोटली गलत है ये भ्रम है हमारी बॉडी जो बनी हुई है जो मसल बना हुआ है वो प्रोटीन से बना हुआ है तो हमें कुछ ना कुछ प्रोटीन चाहिए वरना सारा मसल हमारा ब्रेक करते जाएगा आहिस्ते आहिस्ते हम दुबले हो जाएंगे कमज़ोर हो जाएंगे तो कम से कम 50 ग्राम कुछ भी नॉन वेज या नहीं तो अंडा या नहीं तो पनीर हमें डेली खाना होता है डेली तो हमारे यहाँ डाइट के रिस्ट्रिक्शन की बहुत ज़रूरत नहीं है एक प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हर बीमार पेशेंट के लिए जिस तरह से किडनी वाले पेशेंट के लिए भी अच्छे न्यूट्रिशन उतनी ही ज़रूरी है थैंक यू